हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप? आई होप ठीक ही होंगे, हम सभी ठीक हैं। सो गाइस, अभी बज चुके हैं दिन के एक और लंच मैंने बना दिया है और उसके बाद जैसा भी मैं बैठी हूँ और मुझे लगा कि आज मैं फेस से गाड़ी भी कोई ब्लॉग बनाऊँ जैसे कल बनाया था। तो आज जो मैं आपको चीज़ बताऊँगी वो फेस के लिए है। उसके लिए अगर आपको मतलब पार्टी में जा रहे हैं या फिर अगर आपके फेस पे निखार नहीं है, ग्लो चला गया है, तो उसके लिए जो तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, आपको वो तीनों चीज़ें ही फॉलो करनी है जिससे आप खुद ही देखेंगे कि आपके फेस पे कितना ग्लो आ गया है, आपकी फेस कितना शाइन कर रहा है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज के। सो गाइस, आपको फेस पे लगाने के साथ साथ आपको ना मतलब कि इंटरनली भी अपना ख्याल रखना होगा। आपको खूब पानी पीना होगा, खूब सारे फ्रूट्स खाने होंगे और तली भुनी चीज़ों से आपको परहेज करना होगा। और अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तब भी आपकी अंदर से भी आप सही रहेंगे और बाहर से भी आपकी स्किन पे ग्लो आएगा और आपको नींद भी भरपूर मात्रा में लेनी है। ठीक है गाइस? सो गाइस, तला भुना चीज़ जो भी हम खाते हैं उसका एक माइनस पॉइंट ये होता है कि आपकी स्किन पे जो है पिंपल्स निकल आते हैं और पिंपल्स को जाने में आपको पता है कितना टाइम लगता है, और अगर वो चला भी जाए तो स्किन पे निशान छोड़ देता है। इससे अच्छा है कि आप इन चीज़ों से दूरी बनाए रखें और फ्रूट्स वगैरह खाएं और ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, पानी पिएं, भरपूर नींद लें और स्ट्रेस ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज। गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी स्किन को करना है क्लियर। आप दूध से भी कर सकते हैं अगर आपके पास कच्चा दूध है, अगर दूध नहीं है आपके पास गुलाब जल है तो आप गुलाब जल से भी कर सकते हैं। सबसे पहले काम यही है फेस को क्लीन करना। सो गाइस, मैंने यहाँ पे लिए सबसे पहले आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, आप कॉफ़ी किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। उसके बाद लिया है मैंने आधा चम्मच बेसन, आप चंदन पाउडर भी ले सकते हैं, आप वो क्या बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी पाउडर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शनल में, आप कुछ भी ले सकते हैं। सो गाइस, दो चीज़ें मैंने ले ली हैं। उसके बाद हमें लेनी है एक पिंच, बिल्कुल एक पिंच कस्तूरी हल्दी या फिर गांठवाड़ी हल्दी भी ले सकते हैं आप। मेरे पास गांठवाड़ी हल्दी थी, मैंने उसको पीस के ये जो उसका पाउडर बना दिया था ये देखो। लेकिन आपको किचन वाली हल्दी नहीं यूज़ करनी है, उसका एक माइनस पॉइंट ये होता है कि या उससे आपके स्किन में पिंपल्स हो जाएंगे या फिर रेडनेस वगैरह हो जाएगी। तो आपको जो किचन वाली हल्दी है वो यूज़ नहीं करनी है, या तो आप कस्तूरी हल्दी यूज़ कीजिए या फिर आप गांठर वाली हल्दी यूज़ कीजिए। सो गाइस, आधी चम्मच इतना हमें डालना है हनी। आप कोई भी, ये हनी भी आप कौन से कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, चाहे आप डाबर का ले, चाहे आप पतंजलि का ले, मेरे पास डाबर का, सो मैंने डाबर का ले लिया। और उसके बाद हमें थोड़ी सा लेना है दही, मतलब आधा चम्मच दही लिया है। उसके बाद मैंने फिर उसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। गाइस, अगर आपके फेस में हल्दी सूट नहीं करती है तो आप हल्दी को स्किप कर सकते हैं और आप इसके अंदर एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, चाहे वो मार्केट का ले आएँ या फिर घर में भी हम जब उगाते ही हैं, कई लोग घर में उगाते हैं, तो आप घर वाला भी यूज़ कर सकते हैं और मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं अगर एलोवेरा जेल है तो। तो गाइज़, अभी मैंने आपको बोला था कि आप इसमें एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ हो रहा है, अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता तो आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास में गुलाब जल है, रोज़ वाटर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी आपकी स्किन पे सूट नहीं करता तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, पर मुझे लगता है ये तो सूट करता ही हो। ठीक है गाइज, थोड़ा सा ही डालना है, बस दो तीन ड्रॉप्स बस, अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये जो सारी चीज़ें हैं हमारी अच्छे से मिक्स हो जाए और एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। सो गाइस, एक और चीज़ है जो आपको इसके अंदर डालनी है वो है लेमन का जूस। और अगर आप ये डालोगे, इसकी ड्रॉप डालो, इसकी आपको तीन या चार ड्रॉप डालनी है बस। अगर आप ये डालोगे तो इससे आपकी स्किन होगी फेयर। और गाइस, ये भी ऑप्शनली है, कहीं भी स्किन पे लेमन सूट नहीं करता है, तो जिनकी स्किन पे लेमन सूट नहीं करता वो स्किप कर सकते हैं। वो इसके बजाय टमाटो का जूस डाल सकते हैं थोड़ा सा, तीन चार बूंद हल्दी या चार बूंद डाल लीजिए और फिर उसको कर लीजिए अच्छे से मिक्स। हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, और जो ये मैं चीज़ आपको बता रही हूँ ना गाइस, ये उफटन टाइप ही है, इसको आप डेली बेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, फर्स्टली मेरे को आपको एक चीज़ बतानी है कि अगर आपको मेरे यहाँ पे कोई ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जैसे ब्लैक हेड्स और डार्क सर्कल होते हैं, सॉरी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बात ये है कि लाइट गई हुई है, इन्वर्टर वगैरह है लेकिन लाइट गई हुई है, तो इसलिए ये सब हुआ है, अदरवाइज मेरे को डार्क सर्कल नहीं है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी स्किन को क्लीन कर लेते हैं। मैंने पहले क्लीन करी थी फटाफट से, मुझे सामने गुलाब जल दिखा और मैंने फटाफट से अपने फेस को क्लीन कर लिया था। तो आपको सबसे पहले अपने फेस क्लीन करना है, मैं कर चुकी हूँ, और उसके बाद इस फेस को अपने फेस पे लगा लेना है।
और आप खुद देखोगे आपकी स्किन पे कितना अच्छा निखार आएगा। गाइस कोई भी चीज़ अगर हम फॉलो करते हैं ना तब भी उसका इफेक्ट दिखता है, ये नहीं कि आपने एक दिन की दो दिन की और फिर छोड़ दिया, नहीं। अगर आपको कोई चीज़ अगर आपको अपने फेस पर अच्छी निखार चाहिए या कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि उसके क्या फायदे हैं। अब हम स्टार्टिंग में तो एक दो बार अच्छे फटाफट से कर देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं चलो आप क्या करना, ऐसे नहीं करना। अगर आपको किसी चीज़ का रिजल्ट चाहिए परफेक्ट तो आपको वो चीज़ वैसे ही करनी पड़ेगी जैसा बताया जा रहा है। सो गाइस आपको इस उपकरण को सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने फेस पे रखना है, उसके बाद इसको साफ कर देना। मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे रिमूव करना है। गाइस मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, आप बारी है इसको रिमूव करने की। स्पून से पहले करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। देखिए इसका जो ग्लो है वो इंस्टेंट आता है, आप खुद देखिए, पर देख रहे हैं ना। अब इसको ठंडे पानी से भी वॉश कर सकते हैं और हल्के गुनगुने पानी से भी वॉश कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और इसको पहले मैं थोड़ा सा कॉटन से साफ कर दूंगी एक साइड से, आपको गाइस आप इसको ठंडे पानी से भी कर सकते हैं, मैंने पहले बोला है, लेकिन क्योंकि अभी विंटर है तो ठंडे पानी में तो हाथ लगेगा नहीं, इसलिए हल्के गुनगुने पानी से साफ कीजिए। अभी मैं फटाफट से अपने फेस को वॉश करके फिर आपके पास आती हूँ। तो मैंने अपना फेस को साफ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरे फेस में कितना ग्लो आया है। आप वैसे ही फॉलो कीजिए जैसे मैंने आपको बोला है, आप खुद ही देखेंगे कि आपके फेस पे कितनी भी पुरानी झाइयाँ हैं या कोई स्पॉट है, पिंपल्स के स्पॉट हैं, दाग हैं, वो चले जाएंगे। गाइस मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया और आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आया, इसको बोलते हैं इंस्टेंट ग्लो। सो गाइस ये चीज़ अगर आप लगाएंगे डेली बेस पे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी कितनी भी पुरानी झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है आपके फेस पे, दाग धब्बे हैं, वो धीरे धीरे चले जाएंगे। ठीक है गाइस, जैसा मैंने आपको बोला आप इसको वैसे ही यूज़ कीजिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है फेस से गाड़ी वो चले जाएंगे। सो गाइस ये जो मैंने आपको उपकरण बताया ये 20 साल से ऊपर के लोग भी लगा सकते हैं। और एक और चीज़ मेरे को आपको बतानी है कि जो चीज़ आपको सूट करती है आप वो चीज़ लगाएं, जो चीज़ आपको सूट नहीं करती आप उसको छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और एक और चीज़ बताने कि ब्लॉग एंड अभी नहीं हुआ है, ये तो मैंने ऐसे ही आपको फेस से काटी चीज़ बताई है कि चलो मुझे लगा कि चलो जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। अभी जस्ट मैंने खाना बनाया, मैंने आपको पहले बताया था पुलाव बनाए थे मैंने, तो सबने खाना खा लिया, मैं और मेरे भाई भी बचे हैं। और अभी मेरे को जो आगे की और रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करनी है, और जो मेरी दादी हैं उनकी तबीयत अब पहले से बेटर है। ठीक है गाइस, अभी बाहर कोई आया तो मैं देखती हूँ कौन है। मेरा काढ़ा जो ऑलमोस्ट बन चुका है, तो अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद। गाइस काढ़ा बन चुका है और अभी टाइम हुआ है 8:30 के और डिनर हम लोगों ने कर लिया है आज। मैंने जल्दी चपाती बनाई थी और दाल भी बनाई थी और पुलाव भी बनाए थे दोनों चीज़ें। और अभी हम सब लोग डिनर कर चुके हैं और अभी टाइम है काढ़ा पीने का, तो काढ़ा पीने के आधा पौने घंटे बाद पीएंगे दूध, क्योंकि उस दिन लेट हो गया था काढ़ा तो जिस वजह से दूध नहीं पी पाए थे। तो अभी मुझे लगा कि अभी फटाफट से काढ़ा बना लेती हूँ, उसके मतलब काढ़ा पीएंगे फिर उसके गैस के बाद दूध भी पी लेंगे। तो मेडिसिन वगैरह सबको दे दिया मैंने, मम्मी को भी दे दी, पापा को भी दे दी, दादी को भी दे दी है। और अब बस काढ़ा पियो फिर उसके बाद गैस पर दूध पियो उसके बाद स्लीपिंग टाइम। सो गाइस इसी के साथ मैं आज के स्लॉग का एंड करती हूँ। और जो मैंने आपको बताया था सुबह फेस पे लगाने के लिए जो एक मैंने आपको बताया कि ट्राई कीजिए और जैसे मैंने आपको बोला आप वैसे लगाइए, आप खुद देखेंगे कि आपको स्किन पे फेस पे कितना अच्छा ग्लो आता है। और जो मैंने चीज़ बताई थी लगाने के लिए, लगाओ भी आप लेकिन खाओ भी, क्योंकि खाने से आप इंटरनली आप स्ट्रॉन्ग होंगे और लगाने से एक्सटर्नली देखेगा। और हम टाइम ऐसा होता है कि जो हम खाते हैं वही हमारे बाहर नज़र आता है, तो अगर आप लगाने में भी ध्यान दोगे तो उसके साथ साथ आपको खाने पे भी ध्यान देना है। ठीक है, और एक चीज़ और मुझे बोलनी है कि आप मेरी वीडियोस को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब चैनल नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? अगर आपको मेरी ब्लॉग कम पसंद आ रहे हैं, कम से कम रील्स भी अच्छी बन रही है और ब्लॉग भी मेरे सही है, लेकिन आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल विच विल सी योर ब्लॉग।
का वीडियो में आपसे एक नए ब्लॉग के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।